रिप्रोडक्शन मेथड, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, तो ज़्यादातर ये कैसे करते हैं, एसेक्सुअल मेथड ही करते हैं। कैसे करते हैं, एसेक्सुअल मेथड में भी कौन सा टाइप, फ्रैगमेंटेशन। कौन सा, फ्रैगमेंटेशन टाइप। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि पूरी बॉडी को फ्रैगमेंट करके और हर एक फ्रैगमेंट क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा बडिंग है, कोनिडिया है एंड ऊडिया। कोनिडिया एंड ऊडिया स्पोर के टाइप होते हैं जो फंगस के अंदर मिलते हैं, तो क्योंकि फंगाई से ही मिलता जुलता है तो ये फंगस की तरह भी रिप्रोडक्शन करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऊडिया एंड ऊडिया स्पोर। ठीक है, जो कि हम डिटेल में बाद में फंगाई पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि कोनिडिया एंड ऊडिया क्या है। तो सिंपली अभी तो यही ध्यान रख लो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया के अंदर, वो भी किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू और कोनिडिया और ऊडिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन। इसका क्या नाम है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये वाली जो ड्रग्स है, जो एंटीबायोटिक्स है, ये भी इस बैक्टीरिया से बनाई जाती है जिसका, जो कि क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये था हमारा कौन सा बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हमारे पास आता है वो आता है माइकोप्लाज्मा। कौन सा आता है, माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर। सबसे पहले इस बैक्टीरिया के बारे में एक फ्रेंच का साइंटिस्ट था इन 1898 में, जिसका नाम था ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स। ठीक है, इसने डिस्कवर किया था फ्रॉम द प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल। किसके थ्रू, किसमें डिस्कवर किया था, प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल। एक कैटल थी, ठीक है, कोई गाय थी, उसके अंदर इस साइंटिस्ट ने, जिसका क्या नाम है, ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स, उसने डिस्कवर किया था। उस काऊ को पता है क्या, एक डिजीज़ थी जिसका नाम था, उस डिजीज़ का बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। क्या नाम था, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। और ये इसको, इस डिजीज़ के कारण ये डिस्चार्ज, एक फ्लूड रिलीज कर रही थी और इस फ्लूड के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा बैक्टीरिया हमने ह्यूमन के अंदर भी नोटिस करा है। किसके अंदर नोटिस करा है, ह्यूमन के अंदर भी नोटिस करा है। इसी वजह से इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये काऊ के अंदर मिलता है और काऊ के अंदर किसके, कौन से फ्लूड में मिलता है, प्लूरल फ्लूड में मिलता है। और कौन से डिजीज़ के कारण था ये फ्लूड, उसका बोवाइन प्लूरोनिमोनिया के कारण ये फ्लूड उस काऊ से निकल रहा था, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPLO। क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PPLO की फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। PPLO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, PPLO। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था बोरल इटल। क्या नाम था, बोरल इटल नाम के साइंटिस्ट ने इन 1910 में इसको क्या नाम दे दिया, एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स। इस बैक्टीरिया को बोल दिया एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स। इस बैक्टीरिया को बोला, इसका नाम दे दिया कि हम इसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जेनेरिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, जेनेटिक नेम है इसका, नाम वो दे दिया गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बोला गया इसको, माइकोप्लाज्मा की साइंटिस्ट ने बोला, नोवाक ने, नोवाक नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या बोल दिया, माइकोप्लाज्मा इन 1929 के अंदर। फिर इन 1966 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इस माइकोप्लाज्मा को क्लास मोलिक्यूल्स के अंदर रख दिया और बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है दो जनेरा के अंडर आता है। कितने जनेरा के अंडर आता है, दो जनेरा के अंडर। एक तो हो जाएगा हमारा माइकोप्लाज्मा जनेरा, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्लोप्लाज्मा। ऐसे करके ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले बोरल इटल नाम का साइंटिस्ट था जिसको, इसने क्या नाम दिया इसको, एस्ट्रोकोइटस
एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स, फिर इसको नाम दिया गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म किसका नाम दिया इसने, कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिया है इसको माइकोप्लाज्मा, नोवाक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। फिर आया जो जो थी बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर जो कमेटी थी नेशनल इंटरनेशनल, उसने इसका नाम क्या कर दिया भाई, हम किसके अंदर पढ़ेंगे ये मोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे, और इसके अंदर दो जनेरिया का मिलकर बनता है ये, एक तो माइकोप्लाज्मा के अंदर है और एक एक्लोनोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब हम इस बैक्टीरिया के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्या देखेंगे, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखेंगे कि अकरनेस, ये बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, जर्नली है क्या ये मोनेरा, मतलब प्रियोक्रोट सी है। ठीक है, तो मिलेगा कहाँ पे, ये सोयल के अंदर भी मिलता है, सीवेज का जो पानी है सीवर वाटर वहाँ मिलेगा। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आपको पहले पता है। ठीक है, एंड ये जो बैक्टीरिया है वो विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, विदाउट, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। एंड कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं माइकोप्लाज्मा जो कि पाथोजेनेटिक होते हैं, पाथोजेनेटिक मतलब ये प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे डिजीज काज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके अकरनेस के मिलते कहाँ हैं, तो मिलने के बाद बता दिया सोयल सीवर वाटर, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं क्योंकि ये डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम इसके साइज की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा। साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो जनरली जो माइकोप्लाज्मा का जो साइज रेंज है वो 0.125 से लेकर 0.150 माइक्रो के बीच में मिलता है। ठीक है, एंड ये पूरे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे छोटा है ये। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट प्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर द स्मॉलेस्ट प्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये इतने छोटे हैं कि जो बैक्टीरिया का जो फिल्टर पेपर होता है ना, फूड फिल्टर पेपर होता है, उसके थ्रू भी ये पास हो सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर हाईली पैलियोमोर्फिक। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, माइकोप्लाज्मा आर हाईली पैलियोमोर्फिक। पैलियोमोर्फिक का मतलब होता है कि ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी हम स्ट्रक्चर इनका देखेंगे, इनके साइड बाहर की साइड कोई भी सेलवाल नहीं मिलता है, तो सेलवाल नहीं मिलता है तो ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, कभी कैसे कर लेते हैं, कभी कैसे कर लेते हैं। इनकी वजह से, क्योंकि अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, इसलिए माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम मतलब ये अपनी शेप को कैसे भी चेंज, जैसे एक जोकर चेंज करता रहता है ना अपनी शेप को, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा चेंज करते रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,